while in case of constructive interference the electron density in between the nuclei is there, while in case of destructive interference the electron density is found away from this. तो ये यहाँ यहाँ पर पाई जाएगी. सो ये है. सो इट इज़, अगर हम ये कहें कि सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, तो इस तरीके से बनेगी. सो ये बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल है. अभी सिग्मा और पाई दोनों का आपको बताएंगे. बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, और ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल. ये स्टेबलाइज द मॉलिक्यूल, इट वांट टू, इट टेंड्स टू ब्रेक द मॉलिक्यूल. ये डिस्टेबलाइज करता है, ये अच्छा काम करता है, ये बुरा काम. इट इस नामी है एंटी बॉन्डिंग, बॉन्ड तोड़ना चाहता है. स्टेबलाइज मॉलिक्यूल, इट डिस्टेबलाइज मॉलिक्यूल. अच्छा, इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अब हमें इसके बारे में जान लेनी चाहिए. व्हाट आर द डिफरेंस सो बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये एग्ज़ाम में आता है, तो हम सारे डिफरेंस देखें. सो नाउ डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. नाउ सो अगर आप देखें, यहाँ पर आप देखिए कि जो बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल हैं उनमें किस तरीके से होगा और एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में किस तरीके से होगा, ये दिखाया गया है. कि बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में जैसे यहाँ पर बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, और इस केस में मैं और दूसरी तरीके से बताऊं तो आपको पता चले कि व्हाट हैपेंस. ओके, जस्ट वेट. सो ये देखिए, इसमें आप देख रही हैं कि ये एंटी बॉन्डिंग है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर दूर है. समझ में आई बात, कि बीच में नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर दूर है, तो ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल है. नाउ लेट अस सी their differences. Okay. So bonding molecular orbital and antibonding molecular orbital. Bonding MO and anti bonding molecular orbital. So bonding molecular orbital, a type of MO that are involved in formation of chemical bond. A type of molecular orbital that are involved in formation of chemical bond. जबकि ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स ये फॉर्मेशन में होते हैं, जबकि अ टाइप ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल दैट आर इन्वॉल्व इन डीस्टेबलाइजिंग, यानी इनकी टेंडेंसी होती कि तोड़ दें. तो दोनों तरीके की ऑर्बिटल बनती है, जब बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल की संख्या ज़्यादा होगी इनसे तभी बॉन्ड बनेगा, और दोनों इक्वल होंगे तब बॉन्ड ऑर्डर जीरो हो जाएगा, तब बॉन्ड नहीं बनेगा. सो दैट आर इन्वॉल्व इन डिस्टेबलाइजिंग द केमिकल बॉन्ड. हमेशा जहाँ जहाँ बॉन्ड बना है वहाँ बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल ज़्यादा है, ये अब हम आगे बताएंगे. केमिकल बॉन्ड, अब देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें हायर होती है, ठीक है. सो
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हायर बिटवीन न्यूक्लियाई. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लोअर बिटवीन न्यूक्लियाई, रदर इट इज हायर अवे फ्रॉम न्यूक्लियाई. न्यूक्लियाई के बीच में कम है और न्यूक्लियाई के बाहर ज़्यादा है. सो एनर्जी इज कंपेरेटिवली लोअर, क्योंकि इसने बॉन्ड बनाया है, ये अट्रैक्शन फोर्स में आई है. जहाँ अट्रैक्शन फोर्स होगा वहाँ एनर्जी क्या होगी? लोअर नहीं हो जाएगी. सो एनर्जी इज कंपेरेटिवली लोअर. वैसे भी आपकी बुक में भी तो बना हुआ है, एनर्जी डायग्राम बना है कि नहीं? बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी लोअर है बताओ, और एंटी बॉन्डिंग की हायर है बताओ. एनर्जी इज कंपेरेटिवली लोअर एंड एनर्जी इज, आवाज आ रही है बताओ कि मैं फिर ऑफ ऑन करूं. एनर्जी इज कंपेरेटिवली हायर. अब आवाज आई? मेरा नेटवर्क ठीक नहीं था. अब देखो यहाँ तक बात समझ में आ गई. अच्छा, रिप्रेजेंटेड विदाउट एन एस्टेरिस्क मार्क, रिप्रेजेंटेड विदाउट एन एस्टेरिस्क यानी स्टार मार्क. सिग्मा पे स्टार नहीं लगता है ना. और ये कैसा होता है? रिप्रेजेंटेड विद एस्टेरिस्क मार्क. एस्टेरिस्क होता है कि हमारे स्टार्स क्या कहते हैं हमारे भविष्य के बारे में. कहा नहीं जाता है कभी कभी कि सितारे गर्दिश में हैं, तो सितारे अच्छे ग्रहों में नहीं हैं. तो ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड बाई स्पेटियल अरेंजमेंट. जबकि इसमें ज्योमेट्री के बारे में आगे बात कर लेंगे. इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट्स टू फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड. इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट टू फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड. और ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट टू do not contribute to formation of bond. Electrons do not contribute to formation of bond. Sigma bond जहाँ जहाँ बना है उसी के हिसाब से geometry decide होगी. मालूम है ये anti bonding वाला नहीं decide करेगा. कौन decide करेगा? जहाँ जहाँ कौन सा bond बना है? बॉन्डिंग वाला, क्योंकि उसी से तो बॉन्ड बनता चला जाएगा. जैसे हम H2O कहते हैं ऐसा है, तो उनके बीच में सिग्मा बना होगा H2O के बीच में, तो वो वही डिसाइड करेगा कि इसका ये शेप है. जैसे कि मान लीजिए O है और H है और H है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे बढ़ जाएगी, यहाँ ज़्यादा होगी कि नहीं? और फिर इनके बीच में यहाँ ज़्यादा होगी. तो कौन डिसाइड कर रहा है? क्या ये सिग्मा बॉन्ड डिसाइड कर रहा है कि एंटी बॉन्डिंग भी बनेगा? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनके बीच में एक एंटी बॉन्डिंग भी बनेगा. वो ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा बोलो. लेकिन वो नहीं डिसाइड करेगा ज्योमेट्री. ज्योमेट्री इसका बेंड स्ट्रक्चर है. कौन डिसाइड कर रहा है? सिग्मा बॉन्ड की एंटी बॉन्डिंग. एंटी बॉन्डिंग तो छिटके हुए हैं वो थोड़े. हाँ, तो इसका मतलब है बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल. सिग्मा स्टार नहीं डिसाइड करता है, सिग्मा डिसाइड करता है. सो ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल इज डिटरमाइंड बाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूल.
ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल इज डिटरमाइंड बाय इट, जबकि दिस इज नॉट ट्रू इन दिस केस, दिस इज नॉट डिटरमाइनर, ये ऑफ ज्योमेट्री। अणुओं की ज्यामिति का ये नियामक नहीं है, दिस इज नॉट द डिटरमाइनर ऑफ ज्योमेट्री, तो ये डिटरमाइनिंग फैक्टर नहीं है। जबकि स्टेबिलिटी इज कंपेरेटिवली हायर, स्टेबिलिटी इज कंपेरेटिवली लोअर, एक ही एक बात कही गई बार बार, स्टेबिलिटी इज कंपेरेटिवली हायर, स्टेबिलिटी इज कंपेर, दो मार्क आएगा, कंपेरेटिवली लोअर। अच्छा, ये तो बात हो गई बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल की, अब आगे की बात करते हैं। सो कंडीशन फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी कौन कौन सी, ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि कौन कौन सी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर सकती हैं। जैसे हमने हाइब्रिडाइजेशन की कुछ कंडीशंस देखी थी, फोर कंडीशंस, तो वैसे इनके भी आपस में मिलने की कुछ शर्तें होती हैं। सो कंडीशन फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक, कंडीशन फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। नाउ द कंबाइनिंग ऑर्बिटल मस्ट हैव द सेम और नियरली सेम एनर्जी, बात कही जा चुकी है, कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स मस्ट हैव, अगर होमो न्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, मस्ट हैव द सेम, तो उनमें सेम एनर्जी होगी, और हीट्रोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं और नियरली द सेम एनर्जी, तो जिनकी लगभग सेम होगी, हीट्रोन्यूक्लियर में एक जैसी तो नहीं होती, थोड़ा बहुत फर्क होता है, तो इस तरीके से हो जाती है। नाउ ठीक है, 1s ऑर्बिटल विल कंबाइन विद 1s ऑर्बिटल एंड 2s ऑर्बिटल विल कंबाइन विद 2s ऑर्बिटल एंड सो ऑन। एग्जांपल का मतलब क्या है, 1s ऑर्बिटल विल कंबाइन विद 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल विल कंबाइन विद 2s ऑर्बिटल एंड सो ऑन। सेकंड बात कही गई है कि द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम सिमेट्री अबाउट द मॉलिकुलर एक्सिस, यानी अगर मान लो जो एक्स एक्सिस की ओर है, जेड एक्सिस की ओर है, वाई एक्सिस की ओर है, पी ऑर्बिटल के केस में ओरिएंटेशन होता है, तो सिमेट्री, यानी ये वाली ऐसे आपस में कंबाइन करेंगी, ये और ये नहीं कंबाइन कर सकती हैं, ऐसा ना सोचना कि ये और ये कर जाएंगे, ये तो 90 पे है ना, तो ये तो नहीं कर सकती, ऐसी होनी चाहिए, या फिर दोनों ऊपर या दोनों ऐसी। सो द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव द सेम सिमेट्री अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस, तो उनकी सिमेट्री सेम होनी चाहिए। सो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव द सेम सिमेट्री अबाउट मॉलिक्यूलर एक्सिस, जैसे 2pz कैन कंबाइन विद 2pz ऑर्बिटल, सिमिलरली 2px कैन कंबाइन विद 2px ऑर्बिटल, 2px कैन नॉट
combine with 2PY orbital, ठीक है, ऐसा क्यों? Due to difference in orientation या different orientation, ऐसा होगा. The combining orbitals must overlap to maximum extent. ये नहीं कि मैं कोर की हूँ, कोर शेल्स की हूँ तो हमें नहीं कंबाइन करना, ऐसा नहीं, उन्हें भी करना पड़ेगा, अपने को सबको बलिदान देना पड़ेगा तभी मॉलिक्यूल बनेगा. द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट ओवरलैप टू द मैक्सिमम एक्सटेंट. तो मैक्सिमम एक्सटेंट का मतलब क्या है? ग्रेटर द एक्सटेंट टू ओवरलैप द ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियाई. ज़्यादा ओवरलैप करेंगी तो जो तभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में डेवलप होगी. और अगर मान लो इतना किया तो थोड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इतना कर गए तो ज़्यादा नहीं हुई, और इतना कर गए तो और ज़्यादा नहीं हो गई. बोलो, अगर इतना ओवरलैप किया तो थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इतना तो जितना इंसर्ट हो सके. क्योंकि अगर अलग अलग शेल को करना है तो सबकी अपनी अपनी शेल हैं, तो उनको पूरी तरीके से करना होगा. ये है और दूसरा यहाँ आ जाए तो हर एक में ओवरलैप होगा, तो ये भी ओवरलैप करेंगी, फिर दूसरी वाली भी ओवरलैप करेगी, और फिर तीसरी वाली भी ओवरलैप करेगी. तो ओवरलैप सबकी हुई, तो मैक्सिमम एक्सटेंट पर होना चाहिए, तभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ना शुरू होगी. अब देखो, अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल. एटॉमिक ऑर्बिटल में हमने देख लिया था कि एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल होती है ना. सो एटॉमिक ऑर्बिटल में एस पी डी एफ होती है कि नहीं ऑर्बिटल्स? बोलो, पहले तो एस पी डी एफ सबशेल्स होते हैं, फिर एस पी डी एफ में बहुत सारी ऑर्बिटल होती हैं. डी एक्स वाई ऑर्बिटल है, डी वाई जेड है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, डी एक्स जेड है, तो डी जेड स्क्वायर है. ऐसे न जाने कितनी तरीके की हैं, एफ में कितनी तरीके की हैं. तो ऐसे ही टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मॉलिकुलर ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ. मॉलिकुलर ऑर्बिटल इन केस ऑफ एटम देयर आर एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल पी एक्स पी वाई पी जेड डी ऑर्बिटल होती हैं, डी एक्स वाई डी एक्स जेड डी वाई जेड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ऐसा होती हैं. एंड सेवन एफ ऑर्बिटल्स, ऐसा होता है. तो बट इन केस ऑफ मॉलिक्यूल, इन केस ऑफ मॉलिक्यूल देयर एग्जिस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ठीक है विथ पॉली न्यूक्लियाई या मल्टी न्यूक्लियाई. दीज मॉलिकुलर ऑर्बिटल सराउंड, तो अगर मान लीजिए कहीं थ्री न्यूक्लियस हैं तो पहली मॉलिकुलर ऑर्बिटल ऐसी होगी, तो उसके शेप्स कुछ अलग अलग तरीके के होंगे. सो ये सब न्यूक्लियाई हो गई और ये मॉलिकुलर ऑर्बिटल हो गई, ऐसा हो गया. तो मल्टी न्यूक्लियाई होगी. सो इन नॉमेनक्लेचर मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स आर डेजिग्नेटेड एट सिग्मा पाई डेल्टा. अब हम इन सबको देखें. मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स आर सिग्मा पाई डेल्टा ईटीसी और भी आगे होंगे. सिग्मा मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स आर सिमेट्रिक अबाउंड द बॉन्ड एक्सिस. सिग्मा को पहले देखो,
मॉलिक्यूलर सिमेट्रिक अराउंड बॉन्ड एक्सिस। और इसके दो टाइप हैं, जैसे सिग्मा की पाई ऑर्बिटल सिग्मा एस ऑर्बिटल भी हो सकती है, और दूसरी हो सकती है कि सिग्मा पी ऑर्बिटल। इट इज ऑफ टू टाइप्स, तो दो कौन कौन से हैं तरीके, सिग्मा एस, जैसे एग्जांपल पर सिग्मा वन एस, सिग्मा टू एस, सिग्मा थ्री एस, ये सब हो सकते हैं, ऐसे और भी हो सकती हैं, सिग्मा स्टार वन एस, ये सब सिग्मा ही हैं, टू एस, सिग्मा स्टार थ्री एस, पाई पी, तो पाई टू पी जेड, ठीक है, तो पाई टू पी जेड हो जाएगी, और पाई स्टार एक और भी चीज़ है, अभी सिग्मा सिग्मा ऐसे भी सिग्मा चल रहा है ना, तो सिग्मा पी, सिग्मा पी में क्या आएगी, सिग्मा पी में जानते हो क्या आएगी, सिर्फ सिग्मा टू पी जेड, क्योंकि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे होगी, और ये क्या होगा, सिग्मा स्टार टू पी जेड। अब इन सबको देखो, जैसे सिग्मा वन एस और सिग्मा टू एस सिग्मा थ्री एस में अंतर नहीं है, कि सिग्मा वन सिग्मा एस ऑर्बिटल देखो, तो क्या चीज़ होगी कि अब अगले पेज पे आ जाओ, अगले पेज पे इन्होंने बताया कि अगर एनर्जी इस तरीके से बढ़ रही है और वन एस और वन एस इनके बीच में ओवरलैप हुआ, ये हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम में दोनों में एटॉमिक ऑर्बिटल कैसी होगी, एक एक ही तो होगी, तो पहले नीचे की भरी जाएगी फिर ऊपर की भरी जाएगी, तो नीचे कौन सी होती है, लोअर एनर्जी वाली सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है, तो लिखो इसको सिग्मा वन एस, और इसे क्या लिखोगी बोलो, सिग्मा स्टार वन एस, लेकिन सिग्मा स्टार है ना एंटी बॉन्डिंग, बोलो, ये देखो, तो ये चीज़ हो गई। अब इस चीज़ को ये नीचे लिखो, ये सब क्या है, क्या ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, और बीच में जो बनी वो मॉलिक्यूलर, जो सिग्मा पाई डेल्टा ऑर्बिटल, और ये बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखो, अब मान लीजिए कि दो चीज़ जो सेम फेज में है, तो वो दिखाने का तरीका है बस, और कुछ नहीं है, कि मान लीजिए सेम फेज में तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, जैसे फंक्शन जुड़ नहीं जाते हैं, बोलो, तो एडिशन ऑफ फंक्शन एंड वो सब्ट्रैक्शन ऑफ फंक्शन, तो उसमें क्या होगा, फिर उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, वो हमने नहीं देखा था अलजेब्रा फंक्शन में, एफ फंक्शन और जी फंक्शन, नहीं, तो उस केस में क्या होगा कि जब इस तरीके की होगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे बढ़ेगी, बुक में सही नहीं दिया है, दो न्यूक्लियस को एक ही दिखा दिया गया है, दिखाना ऐसे चाहिए, अभी हम तो आपको इसमें दिखाएंगे नेट में तो पता चल जाएगा, ऐसे दिखाओ, समझ में आई, तो ये चारों तरफ रहेगी, यानी क्या ये बॉन्ड एक्सिस है, और ये चारों तरफ उसके सिमेट्री है, क्या ये बॉन्ड एक्सिस है, तो इलेक्ट्रॉन बीच में क्या चारों तरफ नहीं है, बोलो, तो बॉन्ड एक्सिस के चारों तरफ है तो सिमेट्री तो है ना, बॉन्ड एक्सिस, और ये बन गई, मान लीजिए वन एस है और वन एस है, तो ये बनी सिग्मा वन एस, और चूंकि दो इलेक्ट्रॉन थे तो टू आया है ना, ये वन एस वन, वन एस वन, और बनी क्या सिग्मा वन एस टू। ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये हो और ये हो, और एक दोनों प्लस हैं लेकिन ये माइनस बीच में लगा दिया, काट रहे हो, ऐसे लिखा है, लेकिन उल्टा भी लिखा जा सकता है, जैसे मैंने दिखाया है, ये फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करने का तरीका है, तो ऐसे केस में ये बना लेना ज़्यादा ठीक है, ऐसा दूसरी बुक में बना है, एनसीईआरटी ने एक फिगर बना दिया है, तो
नेट में तो कहीं बहुत कम ऐसा दिखाया गया ये चीज़ें। तो अब वैसे अगर वन वन ही इलेक्ट्रॉन है तो इसमें कोई जाएगा क्या कि नहीं जाएगा? पहले ये भरी जाएगी, लेकिन मान लो दो दो होते, हीलियम हीलियम होता तब क्या होता? तब दोनों में दो दो होते ना, तब इसमें भी दो जाते इसमें भी दो जाते। तो अब वन, ये वन एस वन है और ये वन एस वन है, सब्ट्रैक्ट हुई तो ये सिग्मा टू एस है। जाएगा या नहीं जाएगा ये बात की बात है, ये अभी हम क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब दो होंगे तो इसमें चले जाएंगे, इसमें नहीं जाएंगे। बोलो, मेरा कहने का मतलब है कि अगर हीलियम हुआ तो हीलियम में दो ये दो इसमें इलेक्ट्रॉन हुए, ऊपर मैंने हाइड्रोजन दिखाया था एच एटम और बीच में क्या दिखाया, क्या एच टू मॉलिक्यूल, ये एच ही है और ये क्या है, एच ही है। अच्छा ये बताओ कि मान लीजिए चार है तो फिर तो सबको भरना पड़ेगा। तो अब इसमें पहले नीचे दो जाएगा और फिर ऊपर दो जाएगा, तो ऐसे इसमें टू चला जाएगा, ठीक है। तो हीलियम एटम हो गया तो कितनी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल हुई, और कितनी, ये देखो सिग्मा, ये 1s है ना और ये 1s2 है, और ये क्या हो गया, ये क्या सिग्मा 1s2 है और ये क्या है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2। तो अगर कोई पूछे HE2 मॉलिक्यूल तो कैसे दिखाओगी, सिग्मा 1s2 फिर उससे ज़्यादा एनर्जी कितनी है, सिग्मा स्टार 1s2। बोलो सही है बात, तो ये चीज़ दिखाई जाएगी, लेकिन ऐसा दिखाने के लिए ये बुक ऐसे ब्रैकेट बनाती है और बाहर टू लगाती, जैसा बुक करेंगे वही करेंगे, और फिर कॉमा भी नहीं लगाती, कॉमा लगाती है कि नहीं, नहीं लगाती तो हम भी नहीं लगाएंगे, ऐसे करके बाहर टू लगा रही है, इसमें ऐसे करके बाहर टू, सही है। अब देखो कि ये कर दिया, ये बताओ कि कितने इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू होती है कि हाफ NB-NA, पेज 126 निकालो, उसमें बॉन्ड ऑर्डर लिखा है एक जगह। सो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, हाफ यानी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बाई टू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाई, बताओ कितने कितने इलेक्ट्रॉन है दोनों में, तो 2 - 2 किया बाई 2 तो कितना आया, सो HE2 बॉन्ड विल नॉट बी फॉर्म इफ बॉन्ड ऑर्डर इज पॉजिटिव। ये 1.5 भी हो सकता है, ये ना सोचना, बॉन्ड ऑर्डर कैन बी इन फ्रैक्शन, अभी तक तो नहीं पढ़ा था ना, अभी तक तो पीछे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ही पढ़े थे ना, लेकिन अब क्या है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि पॉजिटिव होना चाहिए फॉर मेकिंग ए बॉन्ड। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए तभी तो पॉजिटिव होगा, फॉर मेकिंग अ बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर क्या होना चाहिए बताइए, शुड बी पॉजिटिव, इट मे बी इन फ्रैक्शन, मे बी इंटीजर और फ्रैक्शन, लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए, देन फॉर मेकिंग ए बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर ऐसा होना चाहिए। इफ इट इज निगेटिव और जीरो देन नो मॉलिक्यूल इज फॉर्म, इफ इट इज नेगेटिव और जीरो देन नो मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। पहली बात तो है निगेटिव हो ही नहीं सकता, कभी कोई ऐसी चीज़ होगी कि एंटी बॉन्डिंग में चली जाए, हम ऑब्जर्वेशन में रखेंगे लेकिन ऐसा होगा नहीं ना, एनर्जी अलाउ ही नहीं करेगी, कभी करेगी क्या बताओ, कि पहले एंटी बॉन्डिंग में चला जाए बाद में जाए, बोलो करेगी ऐसा, नहीं तो ये तो अफबाउ प्रिंसिपल का उल्लंघन हो जाएगा। जरा ये देखो H2 के केस में क्या होगा, H2 मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन हैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन
रेशन वन सिग्मा एस टू और वन सिग्मा एस्टेरिक एस ज़ीरो, बोलो यही है, इसमें जा पाया इसमें नहीं जा पाया बोलो। अब बुक में इसमें दो डॉट लगा दिया गया कोलन इन डैश, और ऐसे भी लिख सकते हैं बुक में, ऐसा भी लिख देते हैं ऐसे कर, समझ में आ गई बात। यस सर। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ, एन बी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एंटी बॉन्डिंग में बाई टू, बोलो नंबर पूरा बताया करो, नई चीज जब होती तो पूरा बताया जाता है। सो क्या बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा। और सिंगल बॉन्ड बनेगा, सो एच टू हैज सिंगल बॉन्ड, एच टू हैज सिंगल बॉन्ड। अब आगे की बात करें, आपने सिग्मा देख लिया और सिग्मा स्टार देख लिया, सिग्मा का देख लिया ना, अभी सिग्मा पी नहीं देखा है ना, तो अब हम सिग्मा पी देखेंगे। अब सिग्मा पी के लिए वापस आइए अपने पेज पर, पेज नंबर 124 पे आइए। 124 में जरा हम देखें कि अगर 1s हो और इसके अलावा फिर 1s होगा, फिर 2s होगा, फिर 2p होगा कि नहीं, तो ऐसा कोई मॉलिक्यूल हो जिसमें कि p और p का हो रहा हो तो 2pz और 2pz इन दोनों का अगर ओवरलैप हो तो फिर से उनके क्या होंगे, ये तो 2pz दोनों में मान लीजिए 1-1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। अगर 1-1 है तो ये एनर्जी हो गई। तो पी जेड क्या होता है, क्या ये होगा, यही तो होता है ना, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, और ये प्लस और ये प्लस, तो इसमें क्या होगा, इससे दो चीजें हो सकती हैं, एक तो अगर प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, प्लस साइन यहाँ ले लो माइनस यहाँ ले लो, तो ये ऐसा होकर और बीच में बड़ा और फिर यहाँ छोटा, बोलो बात समझ में आई, ये दोनों न्यूक्लियाई हो गए और ये बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई, बोलो सिमेट्री है या नहीं, बॉन्ड एक्सिस, यही तो बॉन्ड एक्सिस है, बॉन्ड एक्सिस। और इस मॉलिकुलर ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, सिग्मा 2pz और 2 है, सही हुई बात। और अगर ये चीज ऐसी हो जाए कि बीच में छोटे और इधर बड़े तो क्या कहोगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर हो जाए है तो डिस्टेबलाइज करेगा कि नहीं, ठीक है, ये चीज़ें, ये अगर ऐसे कर लिया जाए तो, यानी ये माइनस हो रहा है तो इस तरीके की बनेगी। नाउ ऐसा किया जा सकता है, तो हमने दो तरीके से बनाए हैं, बुक में भी ऐसा किया हुआ है, बीच में नोड दिखाया गया है, तो नोड दिखाने का मतलब है, नोड दिखाने का कोई ख़ास मतलब नहीं है, बस बहुत करना है तो ऐसे कर दो, लेकिन कुछ ना कुछ तो बीच में ओवरलैपिंग होती है या कैंसिल कर देते हैं, तो ऐसे दिखा दो, वो नोडल प्लेन दिखा दिया बीच में कि यहाँ नोड है, समझ में आई, दिख रहा है ना बुक में, तो ये दो न्यूक्लियाई हो गए, यही चीज है, तो इट इज सिग्मा स्टार 2pz और 2 हो तो 2 हो, लेकिन वो 2 के केस में नहीं होगा, जब आपके 4 होंगे तब होगा, जिसमें फुली फिल्ड होंगी जेड तभी तो होगा कि नहीं, 2 हो सकता है या 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब आपने ये देख लिया, हमने आपको सिग्मा बॉन्ड के बता दिए, अब हमें पाई बॉन्ड बताना है, सो पाई बॉन्ड देखो कि पाई बॉन्ड कैसे बनता है, ओके,
सो पाई बॉन्ड में सिमेट्री चाहिए, मान लीजिए पी एक्स और पी वाई, तो पी एक्स और पी वाई में होगा तो पी एक्स कैसा बनेगा, पहले हम इनको देख लें फिर आगे की बात करें। कि मान लीजिए ये है और इसमें ये प्लस है और जो दूसरा आ रहा है उसमें भी ये प्लस है, ये माइनस है और इनमें एडिशन हो जाए, तो एडिशन होने के बाद ये जो न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के बीच में इनमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी और बाहर कुछ नहीं होगी, सो सारा ओवरलैप बीच में ही हो जाएगा। न्यूक्लियस को चाहे तो कंटेन करा लो, बाहर ना रखो न्यूक्लियस, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के बीच में ही होगा, यानी बाहर नहीं होगी। सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पाई गई, बीच में पाई गई और बाहर कुछ नहीं है। ओके, तो ऐसा हो गया, ये चीज़ हो गई। अब ज़रा देखिए बुक में वैसे नीचे दिया गया है पाई का, दिख रहा है सबसे नीचे, ठीक है, अभी हम फिगर भी दिखा देंगे तो फ़ोन में भी दिखा देंगे, ये चीज़ है। और अगर इन्हीं दोनों की कैसी हो, प्लस माइनस और ये माइनस, तो यहाँ पर ऐसे दिखाओ और ये डॉट है और ये भी, तो मतलब बाहर की ओर इनका वो रहेगा, बीच में नहीं रहा है, बात ठीक है कि नहीं, और उसमें बीच में रहा तो दोनों में फर्क है। ये क्या है, ये पाई टू पी एक्स और पाई स्टार, और ये क्या है पाई टू पी एक्स, ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब इसमें टू लिख लो बाहर, और यहाँ पर या तो टू होगा या जीरो भी हो सकता है या वन भी हो सकता है, कुछ भी है। तो हमने पाई बॉन्ड के दोनों देख लिए। सिमिलर इज द केस विद टू पी वाई, तो यहाँ हमने टू पी एक्स लिया, टू पी एक्स, और उन्हीं से दोनों बन गई। एक है बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल और सिमिलर इज द केस, दूसरा ऐसा ही केस किसके साथ होगा, विद टू पी वाई ऑर्बिटल्स। डेल्टा अभी आपके में नहीं है, डेल्टा का मतलब डी से होता है, तो डेल्टा को अभी नहीं बताएंगे, आगे की क्लास में बीएससी पार्ट वन में आप सीखेंगे। अभी देखो कुछ ट्वेल्थ में भी सिखा देंगे। अब देखो कि इतनी बात हमने आपको बता दी है, अब हम आगे की बात करते हैं कि सारी तरीके की हमने बॉन्ड बता दी है, दो लाइनें और लिखें फिर हम आगे बढ़ें। कि सिग्मा मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स आर सिमेट्रिक अबाउट बॉन्ड एक्सिस वाइल पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स आर नॉट सिमेट्रिक अबाउट बॉन्ड एक्सिस। तो सिग्मा मॉलिकुलर ऑर्बिटल एंड पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल में ये बात कही गई है, ये लिखने लायक लाइन है। आर सिमेट्रिक, ठीक है, अराउंड बॉन्ड एक्सिस वाइल पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स, मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स ये चीज हमने आपको बताई नहीं, ऑर्बिटल्स आर नॉट सिमेट्रिक, ये जरा समझो। जैसे कि ये पाई और मॉलिकुलर ऑर्बिटल है, तो पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल में आधा उधर रहेगा और आधा इधर रहेगा। मेरा कहने का मतलब है कि ये जो बीच में होगा, ठीक है, तो दो बॉन्ड होंगे, तो दो बॉन्ड यहाँ यहाँ पर ले लो और दो बॉन्ड हैं। अब इसमें ऊपर नीचे बॉन्ड एक्सिस है, तो इनके बीच में ये है इस प्लेन में,
यानी ये इनका प्लेन है इस तरीके से, तो इसको और इधर कर लो, ये अब सही है ये। तो ये है बॉन्ड एक्सिस। तो बॉन्ड एक्सिस में क्या चारों तरफ इसके सिमिट्री है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर एंगल पर है? क्या चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बोलो कि नहीं? तो फिर वो तो सिमेट्रिक नहीं हुआ ना, कि बॉन्ड एक्सिस है और ऊपर नीचे सिर्फ इलेक्ट्रॉन पाए जाएं, तो या फिर ऐसे ऐसे, तो क्या चारों तरफ सेम हुआ? क्या सिलिंड्रिकल सिमेट्री हुई कि नहीं? तो इस तरीके से नॉट सिमेट्रिक अबाउट बॉन्ड एक्सिस। तो ये तो पाई बॉन्ड है, तो ये पाई लिखा भी है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नॉट सिमेट्रिक। समझ में आ गई बात ना? ठीक। इफ अब अगली बोल्ड लाइन पढ़ो, इफ इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज टेकन टू बी जेड डायरेक्शन, यहाँ जैसे पहले लेते थे एटॉमिक में तो वैसे यहाँ भी लेंगे, इफ इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज टेकन एज जेड डायरेक्शन, ठीक है, इट कैन बी सीन, इट कैन बी सीन दैट ए लीनियर कॉम्बिनेशन, दैट अ लीनियर, ये चीज हम लोगों ने पढ़ ली है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू पी जेड ऑर्बिटल्स, ऑफ टू पी जेड ऑर्बिटल, हमें क्या दे देगा? कैन गिव सिग्मा टू पी जेड एंड सिग्मा स्टार टू पी जेड। भाई टू पी जेड से क्या बनेगा? सिग्मा टू पी जेड और सिग्मा स्टार टू पी जेड नहीं बनेगा। ओके अच्छा, अब जरा हम बात करें कि एक हमारे पास कोई बोरॉन को ले लो, बोरॉन में कोई बॉन्ड बनेगा क्या? सो बोरॉन, बोरॉन में बी का क्या होता है? सही है, ठीक। हमने हीलियम देख लिया, और क्या देख लिया? हाइड्रोजन देख लिया, हीलियम देख लिया, तीसरा क्या होता है? क्या लिथियम देखें? भाई बुक तो एक एक करके देखती, हम भी एक एक करके देखेंगे, तो तीसरा क्या हुआ बताओ? लिथियम को देखो, क्या Li2 बनेगा? जरा चेक करें, वो तो बॉन्ड ऑर्डर ही बता पाएगा बनेगा कि नहीं, ये सब हटा दोगे तो। लिथियम देखें, थ्री हो गए। अब थ्री को कैसे दिखाएंगे? पहले यहाँ पर 1s 2s वाले बनाओ। अच्छा ये 2s है और ये 1s है, तो क्या 1s नीचे दिखाया जाएगा? क्या 1s की एनर्जी कम होती है? बोलो, जबकि ये एनर्जी लेवल है, बताओ। बताओ, इतना समझ में नहीं आया कि 1s नीचे 2s ऊपर है। अब फिर इससे अब आप दो निकालो, इसी तरीके से सभी के डायग्राम बनेंगे। ये देखो, तो इसमें नीचे वाला भरेगा कि ऊपर वाला? बोलो, आप बताएं। अब इतना हमें मालूम होता तो मैं पूछता ही क्यों आपसे? नीचे हम चारों डाल दें? बोलो जल्दी, बोलो तो आगे बढ़ें। ठीक है, वही तो पूछ रहे थे, तो बताती नहीं यार। अच्छा, सिग्मा 1s2 और ये क्या है? सिग्मा स्टार 1s2, सही है, ये हो गया। और ये जरा देखो, यहाँ क्या करें? सिग्मा 2s2, अबाउ प्रिंसिपल लगा दिया। अबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से चल रहा है,
और यहाँ कुछ नहीं भरा। अब हमने ये बना लिया, अब हमें Li2 क्योंकि हमने Li को किया ना, Li अभी डाई एटॉमिक ही देख रहे हैं, होमो न्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल सबके देख रहे हैं, तो इसे क्या लिखोगी, Li2 नहीं लिखोगी, ये एटॉमिक ऑर्बिटल हुई, ये एटॉमिक ऑर्बिटल हुई और ये मॉलिकुलर ऑर्बिटल हुई। अब Li2 का कॉन्फ़िगरेशन बनाओ, तो बीच में कोलन इन डैश लगाओ, दैट इज डैश, कोलन में फिर डैश ऐसे भी आ जाता है। सो सिग्मा 1s2 सबसे कम वाली एनर्जी, फिर सिग्मा स्टार क्योंकि इससे ऊपर तो यही है ना, फिर उससे ऊपर वो है, तो इसी क्रम में तो चलेगा, इसमें आया फिर इसमें आया फिर इसमें, ठीक। और फिर क्या दिखा दें, यहाँ तक एग्रीड हो, बोलो सही है कि नहीं सही है। अच्छा तो फिर अगर सही है तो फिर बाउंड ऑर्डर बताओ, अभी हमें पता चल जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू क्या फार्मूला होता है, ठीक है बताओ कितना कितना डालें, आ गया है आपको इसका मतलब समझ में आ गया। सो इससे 2/2 तो बताओ Li2 बनेगा कि नहीं, बन जाएगा, देखो बुक में पेज नंबर पे आओ, पेज नंबर 126 में लिखा है कि Li2 बनेगा, बोलो क्या? पेज नंबर 126 में आई लिथियम Li2 का लिखा है, नहीं दिखा, तो उसमें क्या लिख रहा है, बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो बन जाएगा ना। सो Li2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट, सो इट शुड बी, अब कुछ और भी बातें बताई जानी, वो भी हमें बतानी है। सो Li2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट्स विथ सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड लिखने से अच्छा है कि बॉन्ड ऑर्डर लिख दो, क्योंकि कई बार 1.5 आ जाएगा तो क्या करेंगे, फिर थोड़ी नहीं लिखेंगे 1.5 बॉन्ड, तो ऐसा भी होता है। अब देखो ई डाया मैग्नेटिज्म और पैरा मैग्नेटिज्म समझो, डाया मैग्नेटिज्म एंड पैरा मैग्नेटिज्म, इफ मॉलिक्यूल, समझ में आया, इफ मॉलिक्यूल इज वीकली रिपेल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, इफ मॉलिक्यूल इज वीकली रिपेल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड देन इट इज कॉल्ड डायमैग्नेटिक, मॉलिक्यूल, यानी अगर ये देखा जाए वीकली रिपेल्ड का मतलब क्या है, कि अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड में मैं मॉलिक्यूल रख दूँ, एक हमारे पास ये मॉलिक्यूल है या वो मॉलिक्यूल का कुछ हमने एलिमेंट उसका कुछ जो भी है मॉलिक्यूल रख दिया, सब्सटेंस, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, और यहाँ नॉर्थ लगा दिया और यहाँ साउथ लगा दिया, तो इसमें से जो फील्ड निकली वो इसके ऊपर से जाएगी, अंदर से नहीं जाने देगा, कहेगा तुम्हें जहाँ से जाना जाओ हमारे अंदर से मत जाओ, तो इस तरीके के सब्सटेंस को क्या कहेंगे, बोलो हिमांश, हाँ, और ये सब्सटेंस है, कुछ भी है तो ये सब्सटेंस है, एलिमेंटल है, कोई भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, डायमैग्नेटिज्म तो यूनिवर्सल डेफिनेशन है, तो ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, मेरा कहने का मतलब है कि अगर किसी टेस्ट ट्यूब में डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रख लो
तो और वहाँ पर मैग्नेट ले आओ, ठीक है। अगर मैग्नेट लाओगे तो वो सब्सटेंस क्या होगा, ठीक है। इफ़ वी आर कीपिंग, ये रिपल्शन हो गया। इफ़ जैसे एक हमने इसमें डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया और एक मैग्नेट लाए, तो क्या ये नीचे नहीं आ गया, खिसक नहीं गया? नेटिक सब्सटेंस। इफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड इन मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स, देन जो सच मॉलिक्यूल्स आर डायमैग्नेटिक। अब जरा देखो कि मान लीजिए दो इलेक्ट्रॉन हैं और वो घूम रहे। पेयर्ड का मतलब क्या होता है कि जितनी भी मॉलिकुलर ऑर्बिटल होंगी सब में दो दो इलेक्ट्रॉन हो, जैसे सिग्मा वन एस में दो इलेक्ट्रॉन हो, सिग्मा टू पी में दो इलेक्ट्रॉन हो, वो धीरे धीरे ऑर्बिटल बढ़ेगी। अभी मैं एक साथ ही दिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद टू पी जेड आ जाएगा, तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन, इसमें दो इलेक्ट्रॉन, फिर टू पी जेड और भी आते चले जाएंगे। मैंने लिखा सिग्मा वन एस टू, सिग्मा स्टार वन एस टू, फिर सिग्मा, और फिर क्या हुआ, टू एस टू। मान लीजिए मैंने 6 का लिया, एल आई टू ले लिया ना, एल आई टू की बात हो रही थी कि नहीं, बताओ। अच्छा, अब अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो एक का प्लस हाफ स्पिन होगा, दूसरे का कैसा होगा, माइनस हाफ स्पिन। ये इलेक्ट्रॉन है, एक इधर घूम रहा है तो दूसरा कैसा घूमेगा, क्या ऐसे नहीं घूमेगा, समझ में आई बात, ऐसा होगा। तो अब ये जो दो हैं, अब इनका कोई भी नेट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है, यानी इनकी कोई नेट मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, क्योंकि एक का जरा सोचो, अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज चलता तो मैक्सवेल के राइट हैंड रूल के हिसाब से ऊपर नॉर्थ होता कि नहीं। मान लो करंट ही चलती किसी वायर में, तो किसी वायर में अगर करंट चलती तो राइट हैंड रूल के हिसाब से क्या ऊपर नॉर्थ ना होता, और यही चीज़ नीचे से आती और फिर इस लूप को पूरा कर देती। तो यानी मेरा कहने का मतलब है ये नॉर्थ होता कि नहीं। हम लोगों ने फैराडे का लॉ तो देख ही लिया था ना, ये चीज़ थी कि नहीं, तो ये होता। लेकिन ये तो आई नहीं है ना, आई तो पॉजिटिव चार्ज से बनता है, आई तो करंट होती है, ये तो करंट का उल्टा है। तो क्या मैं इसमें ऊपर लूँ कि नीचे? तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो नीचे होगा। मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होती कि कितनी करंट बह रही है और कितना एरिया है, यानी इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा ना, उसी से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिसाइड होती है। मैग्नेटिक मोमेंट ये जरूरी है, इसलिए बता दे रहे हैं, अभी जरूरी आ गया है। म्यू इट इज़ आई ए, कि कितनी करंट फ्लो कर रही है, कितना चार्ज पर सेकंड यहाँ से गुजर गया, किसी भी जगह से, किसी क्रॉस सेक्शन से। 1 सेकंड में जितनी बार इलेक्ट्रॉन 1000 चक्कर पर सेकंड लगा रहा है, तो 1000 × 1.6 × 10⁻¹⁹ नहीं कर दोगे? बोलो भाई, यही आंख लगाए रहो, देखो 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजर गए और इसका एरिया क्या है। वो वही मैग्नेटिक मोमेंट होता है और वही इसकी चुंबकीय शक्ति का निर्धारण करता है। दैट ओनली इलाबरेट्स या टेल्स अबाउट इट्स मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। ओके, तो नीचे समझ में आ गया कि नहीं, राइट हैंड रूल के हिसाब से। वैसे ऊपर होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन चूंकि चार्ज अपोजिट है तो नीचे कर दिया। इज इट करेक्ट? यहां देख लो, पॉजिटिव चार्ज था तो ऊपर था मैग्नेटिक मोमेंट। बोलो बोलो, आवाज नहीं आ रही है मानसी आपकी। अभी आ रही है? चलो, हमारा नेटवर्क ठीक नहीं। ये बताओ, ये सही है नीचे? अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ऊपर हो जाएगा।
या राइट हैंड की जगह आप निगेटिव है तो लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, वैसे तो राइट हैंड रूल लगा के पलट देना ही ठीक है, हाथ वही रखना चाहिए। अच्छा अभी इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, मान लीजिए ये है और मैं इस पर ऐसे लगा दूँ तो क्या इसे नीचे की तरफ है तो माइनस जे कैप लिख दूँ, और जे कैप तो कट नहीं जाएगा, नेट म्यू नेट कितना हो गया, अभी जीरो हो गया, अभी इसका कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए मैं इसे एक फील्ड में रख दूं, यह मैग्नेटिक फील्ड है, बाहर से मैंने एक बड़ा सा मैग्नेटिक मोमेंट लगा दिया, एक फील्ड रख दी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रख दी है तो ये क्या करेगा कि कहेगा कि मेरे में तो नीचे से गुजर रहे थे, तुमने ऐसे कर दिया तो मेरा मैग्नेटिक मोमेंट नीचे था तो मैं तुम्हें काट दूंगा, तुम्हारी अगर 10 फील्ड लाइंस जा रही हैं तो मैं दो चार तो काट और दूंगा, वैसे इसमें से भी फील्ड लाइंस दो निकल रही थी लेकिन इसने देखा कि कोई जो है अपनी फील्ड लाइन है, तो ये इतनी तेज घूमने लगा कि उसने दो की जगह चार कर दी, अपना मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ा दिया, फास्ट रैपिड रोटेशन, उसने कहा मैं तुम्हें काट के ही दम लूँगा, ऐसा हो गया, समझ आई बात कि नहीं। इनर्शिया क्या कहता है कि बाहरी परिस्थिति का विरोध करता है जो तुम्हें उत्पन्न कर रहा है, यही तो लेंज लॉ है। सो हु इज द ओरिजिनेटर ऑफ करंट, द इंड्यूस्ड करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूस्ड करंट, इट अपोजेस द जनरेटर ऑफ इट। जैसे आपने क्या किया कि मैग्नेट को इधर उधर किया तो क्या इसमें करंट इंड्यूस नहीं हो रही है लूप में, बोलो बताओ, तो उससे जो करंट होगी उससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और उससे जो पोल बनेगा क्या वो इसका विरोध नहीं करेगा और इसे काट नहीं देगा, बोलो। तो इस तरीके से इसने अपने मैग्नेटिक मोमेंट को बढ़ा लिया है क्या, लेंथ देख लो, बोलोगी तो आगे बढ़ जाएंगे। और ये क्या करेगा, ये करेगा अरे मेरे तो पहले जा रहे थे दो जा रहे थे, तुम पहले ही सही और चार लगा रहे हो, क्यों बढ़ा रहे हो, तो ये घट जाएगा, ये स्लो रोटेशन करने लगेगा, कहेगा मैं तो धीरे धीरे करूँगा, अब मैं तुम्हारा विरोध ऐसे करूँगा कि अगर कुछ नहीं कर सकता हूँ, अपने रोटेशन की डायरेक्शन नहीं बदल सकता हूँ तो धीरे तो चल ही सकता हूँ कि नहीं। तो अब म्यू वन और म्यू टू का सम क्या हुआ बताओ, म्यू वन इतना बड़ा, ठीक है म्यू वन इतना बड़ा, म्यू टू इतना बड़ा, थोड़ा सा बड़ा किया, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा बड़ा कर दिया, इन दोनों का सम देखो। सो म्यू नेट क्या हो गया, क्या म्यू वन प्लस म्यू टू, तो ये इतना और ये इतना, जरा इन दोनों को काट दो तो कितनी लेंथ पड़ी, क्या इतनी सी आई, बोलो आप लेंथ देख लो ना, और ये इतनी इससे इतनी काटो कितनी बची, इतनी तो बची। क्या इसका मैग्नेटिक मोमेंट बाहर से लगाए जाने वाले मैग्नेटिक मोमेंट के अपोजिट है तो विरोध करेगा, दो नॉर्थ पोल एक पास रखो चपक जाएंगे मालूम है, और नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसे रख दो तो रिपेल करेंगे, समझ में आई बात कि नहीं, रख के देख लेना दो मैग्नेट, अभी नहीं है मेरे पास, और वैसे भी दो मैग्नेट की अगर ट्रांसवर्सल ब्रेक हो जाए तो भी तो नॉर्थ नॉर्थ की तरफ रहता है, क्योंकि ये जो नॉर्थ पोल या साउथ पोल है ये तो इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ एटम है और उसी का ग्रॉस जो है मैग्नेट बनता है, बताओ बताया है कि नहीं। तो इस तरीके से ये जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है क्या वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट है, और क्या यही इसे डाया मैग्नेटिक बनाता है, बोलो। इसको कहते हैं प्रतिचुंबकत्व, उल्टा काम कर रहा है, एक होता है अनुचुंबकत्व पैरामैग्नेटिक और एक होता है प्रतिचुंबकत्व उल्टा। सो नेट मैग्नेटिक मोमेंट, वास्तव में इसे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट भी कह सकते हो, ठीक है, ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और ये हर इलेक्ट्रॉन के साथ होगा जितने भी पेयर बने हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट टू अप्लाइड मैग्नेटिक मोमेंट,
मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक फील्ड भी लिख सकते हो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का कितनी वैल्यू है वो आई ए से आता है, तो हम फील्ड को इस टर्म्स में दिखाएंगे आई ए, अदरवाइज हम फील्ड दिखा भी कैसे पाएंगे। सो अप्लाइड मैग्नेटिक मोमेंट, सो इट रिपेल्स मैग्नेटिक फील्ड, काट नहीं देगा, तो काट दिया तो अंदर से गुजर ही नहीं पाई, भाई अंदर से फील्ड लाइन जा रही तो उसको काट ही दिया, तो जब काट देगा तो क्या अंदर से गुजर पाएंगे? हो सकता है गुजरी हो दो लोग, उसने काट दिया उसको, तो बोलो गुजर पाएंगे, बताओ वुड दे पास थ्रू इट और नॉट? आवाज नहीं आई, अभी आई हमांशी? चलो इतनी समझ में आई बात की नहीं, कि कट कर दिया तो बीच से नहीं गुजर पाई, आई होंगी लेकिन इसने काट दिया तो फिर कहाँ से गुजर पाएंगी? तो इस चीज को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रतिचुंबकत्व। डाया का मतलब ये कि डाई, डाई भी है और अमैग्नेटिक, उसमें मैग्नेट का उल्टा करें, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से डायमैग्नेटिज्म होता है। अब हम एक और चीज़ देख लें, हम अब क्या देख लें, पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है? अनुचुंबकत्व। यानी कि मान लीजिए इस तरीके का हो और यहाँ पर नॉर्थ पोल रखा हो और यहाँ साउथ पोल रखा हो, ऐसा हो, या और बड़ा भी कर सकती हो, इन सबको नहीं भी दिखा सकती हो, नहीं जरूरी तो मत दिखाओ, या ऐसे दिखा दो, ये इधर पर नॉर्थ है बाकी पीछे जा रहा है मैग्नेट बड़ा, और इधर पर साउथ है, फिर ये पूरा मैग्नेट होगा, तो इससे जाने वाली रेज या मैग्नेटिक फील्ड इससे होके गुजर के जाएंगे, तो इट वीकली अट्रैक्ट्स द मैग्नेटिक, वीकली है, फेरोमैग्नेटिक से 1000 गुना कम। ये ना सोच लेना कि बहुत ज़्यादा ही कुछ है, बहुत थोड़ा, बहुत मुश्किल से दिखाई पड़ेगा अनुचुंबकत्व या प्रतिचुंबकत्व, तो इस तरीके से है। सो इट, वो भी वीकली था, अगर हमने वीकली रिपेल नहीं लिखा है तो लिख लो, कहीं हमने ऐसा तो नहीं लिख दिया है कि सिर्फ अट्रैक्ट्स लिख दिया हो, तो फिर हमें लिखना पड़े, वीकली लिखा है ना। सो इट ये क्या करेगा, वीकली की स्पेलिंग गलत कर दी क्या, नहीं यहाँ ठीक की, अब देखो यहाँ ठीक कर देते हैं, इट वीकली अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक फील्ड एंड ओरिजिनेट्स, और इसका ओरिजिनेट कैसे होता है, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो ही ओरिजिनेट होगा। मेरा कहने का मतलब है कि किसी भी यूट्यूब में अगर आपने कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस डाला हुआ है तो, और मैग्नेटिक फील्ड इसके पास लाई जाती है, तो जहाँ पर मैग्नेट लाया जाएगा वहाँ पर ये उसकी ओर आकर्षित हो जाएगा, इट गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट, इज इट ओके? तो ये चीज़ है, एंड इट इज़ ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जरा ये देखो कि मान लीजिए कि ये एक पहले इलेक्ट्रॉन था, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐसे घूम रहा था, अब घूम रहा था तो ऐसे घूमता तो ऊपर होता पॉजिटिव चार्ज, देखो ये जैसे भी घूम रहा है तो अभी इसका क्या है कि ऊपर की ओर है, पिछले सवाल में देख लो,
सोचो पॉजिटिव चार्ज ऐसे घूम रहा है, पॉजिटिव चार्ज घूमता तो नीचे ना होता, लेकिन ये तो कैसा है बताओ, पॉजिटिव चार्ज घूमता तो नीचे होता, बट ये तो निगेटिव है, तो इसलिए कैसा हो जाएगा, उल्टा नहीं हो जाएगा, राइट हैंड थंब रूल। अच्छा ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट है, लेकिन इन केस जो कि नॉन जीरो है, जीरो नहीं है, अच्छा इन केस ऑफ अप्लाइड फील्ड, अगर हमने इस पर फील्ड अप्लाई कर दी तो कहेगा कि अरे मेरे अंदर से जितनी फील्ड लाइन जा रही थी तुम उसका उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, मैं तो धीमे हो जाऊंगा, मैं इसी तरीके से तुम्हारा विरोध कर दूंगा, तो अब ये धीरे हो गया, लेकिन क्या इसकी डायरेक्शन वही बनी रही जो आउटर फील्ड है, सो ये क्या हो गया स्लोज डाउन। सो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सब्सटेंस या मॉलिक्यूल रिमेन्स इन डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक मोमेंट, एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक मोमेंट, दोनों ही केस में इनर्शिया इन्वॉल्व है, वो विरोध कर रहा है, कह रहा है 100 डालना चाह रहे हो तो मेरे अंदर 10 जा रही तो मैं 2 कर लूँगा, विरोध तो कर ही रहा है, अब कह रहा है कि उतना चेंज तो नहीं होगा ना, बोलो नहीं, बात समझ में आ गई कि रिमेन सो इट इज अट्रैक्टेड, तो अगर एक वीक नॉर्थ हो एक स्ट्रांग नॉर्थ हो तो भी तो अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं, सो इट गेट अट्रैक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड, और इसकी खुद की भी फील्ड होती है, वो सर्वाइव कर गई कि वो डिमिनिश कर गई, बोलो वैनिश कर गई कि सर्वाइव कर गई, खुद की भी तो फील्ड है नहीं है क्या, हाँ अब देखो अट्रैक्ट टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, और डायामैग्नेटिज्म मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डायामैग्नेटिज्म और पैरा मैग्नेटिज्म इज 1000 टाइम्स स्मॉलर देन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, सो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस और पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस इज 1000 टाइम्स स्मॉलर टू फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अलग ही होते हैं, उसमें सारे डोमेन सारा एक ही डायरेक्शन में रहता है, वो अलग बात है अलग से देखेंगे, लेकिन ये बताओ अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो ऐसे सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक हुए कि फेरोमैग्नेटिक, बोलो बताओ क्या बोल रही हो, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो ऐसा सब्सटेंस क्या हुआ, अरे डायमैग्नेटिक ही बोल देती, इतना तो सिखाया है, इतनी देर से क्या सिखा रहे हैं, नहीं सिखाया क्या, कहीं हमने लिखा नहीं है, न्यूट्रल से क्या मतलब है ये बताओ, मैग्नेटिक फील्ड में कैसा बिहेव करेगा, सो द बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस इन मैग्नेटिक फील्ड डिसाइड वेदर इट इज डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, इफ इट इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड देन इट इज फेरोमैग्नेटिक, इफ इट इज वीकली अट्रैक्टेड देन इट इज पैरामैग्नेटिक, इफ इट इज वीकली रिपेल्ड देन इट इज डायामैग्नेटिक, बोलो बात समझ में आई कि नहीं, नहीं आई बिहेवियर ऑफ, फिर भी मैं लिख देता हूँ बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड
फील्ड डिटरमाइंस वेदर द सब्सटेंस इज फेरोमैग्नेटिक डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। अगर पास लाओ और खट से चिपक जाए तो कैसे, जैसे नियोडाइमियम सबसे शक्तिशाली चुंबक होता है, खट से चिपका लेता है, और अगर बीच में कुछ रख भी दिया ना उसको दबा देगा, फोड़ देगा, इतना पास आता है। उंगली आ गई तो उंगली को पिचका देगा। पहले हमने दिखाया इस तरीके का वीडियो कि नहीं, नियोडाइमियम का नहीं दिखाया? हाँ या नहीं? तो चलो अच्छी बात है। मैग फेरोमैग्नेटिज्म, सो सब्सटेंस आर स्ट्रॉन्गली, सब्सटेंस आर स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड टू एक्सटर्नल फील्ड। इसमें निकिल हो सकता है, आयरन हो सकता है, आयरन तो हो गई, लौह चुंबकत्व तो नाम ही पड़ गया, गडोलिनियम, कोबाल्ट, निकिल, क्रोमियम, ये सब हैं, और एलॉय भी होंगे बहुत सारे, वो आगे आएगा। अब फेरोमैग्नेटिज्म, इसको कहते हैं लौह चुंबकत्व, लौह चुंबकत्व। अच्छा, फिर पैरामैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म का मतलब क्या है? इफ बताओ डेफिनेशन। अच्छा, अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसे उसमें पैरामैग्नेटिज्म होगा कि फेरोमैग्नेटिज्म? बोलो। ठीक बताया, तो पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा, अब देखो, इसके अलावा इफ सब्सटेंस आर वीकली डायमैग्नेटिज्म, टेबल देखिए 4.21 दिख रहा है, देखा टेबल 127 पेज में, बताइए उसमें कौन कौन से डायमैग्नेटिक हैं और कौन कौन से फेरोमैग्नेटिक हैं। क्यों? अरे फिगर में ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखो, नीचे से दूसरा, दिखा? तो पैरा मैग्नेटिक के नाम बता दो, H2 बताओ पहले, तभी तो मुझे समझ में आएगा। H2 को कहाँ लिखें, इधर या इधर, लेफ्ट में कि राइट में? H2 को, ठीक है, H2 तो कोई बनता नहीं है मॉलिक्यूल, छोड़ दो, Li2 बन रहा है, Li2 को कहाँ लिखें? जो मॉलिक्यूल बनता नहीं उसे छोड़ दिया जाता, उसे डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक कुछ नहीं लिखा जाता, Li2 को कहाँ लिखें? अच्छा बताया है, क्योंकि सारे पेयर्ड हैं, बड़ी बात बताई आपने, और बाकी का तो आगे समझाएंगे पैरामैग्नेटिक, फिर भी मैं लिख देता हूँ, B2 को यहाँ लिखवा रहा है, आगे अभी सिखाएंगे तो पता चल जाएगा, और किसको लिखा रहा है पैरामैग्नेटिक, O2 को, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे,
और बाकी किसको डायमैग्नेटिक बता रहा है, क्या सी टू कार्बीन एन टू फ्लोरीन को भी बता रहा है? समझ में आई बात कि नहीं? डायमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म का खेल समझ में आया? बताओ। तो अब आगे जो हमारे पास बच रहे हैं ये एक क्लास भर का और है, लेकिन ये हम अगली क्लास में करेंगे, इस क्लास में नहीं करेंगे। तो इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।